जो हाथ इस मामले को लेकर आपने धरना रखा है, क्या कहेंगे? पहले मेरा नाम परमजीत कौर संधू है और मैं नेशनल अकाली दल में वाइस प्रेसिडेंट हूँ दिल्ली स्टेट से। हमारा मेन मकसद है जो ये धरना प्रदर्शन है कि काफ़ी सारी न्यूज़ आ रही है जो दलित दलित दलित, मेरा मेन मोर्चा है कि जात पात कोई नहीं होती, बेटी बेटी होती है, चाहे वो हिंदू की हो, सिख की हो, मुसलमान की हो, किसी की भी हो, मेन होता है बेटी को इंसाफ दिलाना। रेप एक अलग चीज़ है लेकिन जो दरिंदगी हुई है उसके बाद भी वो लोग उन चारों लड़कों को बचा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा गलत है। जो हमारी लॉ है, जो हमारा कानून है, उसे चेंज होना चाहिए। अगर कोई भी रेपिस्ट रेप करता है, इवन छेड़छाड़ भी करता है, तो उसे ऑन द स्पॉट सज़ा मिलनी चाहिए। और जो रेपिस्ट है, जैसे उन्होंने लड़की के साथ किया है, मेरा जो अपना पर्सनल प्रोसीजर है, जैसे उन्होंने लड़की के साथ किया, सेम प्रोसीजर उन्हीं लड़कों के साथ होना चाहिए। और उनका संस्कार भी वैसे ही होना चाहिए जैसे उस लड़की का संस्कार हुआ है। वो संस्कार नहीं है, वो जलाया गया कहते हैं उसे। एक तो रेप हुआ, रीढ़ की हड्डी तोड़ी, जीभ काटी, उसके बाद क्या किया, जलाया गया, पेट्रोल डालकर जलाया गया उसे। जिस तरीके से अभी बताया जा रहा है कि उनके परिवार वाले सीबीआई की मांग कर रहे हैं, हाँ जी, और ये बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ सीबीआई को ऑर्डर देने वाले हैं, हाँ जी, क्या लगता है सीबीआई के पास जब ये जाँच पहुँचेगी क्या उन लड़कों को फांसी होगी नहीं होगी? मेरे हिसाब से तो नहीं होगी, क्योंकि योगी राज है तो क्राइम ब्रांच हो, सीबीआई हो या कुछ भी हो, तो वो योगी का ही है। आपकी तरफ से क्या करना चाहिए, सीबीआई देना चाहिए या डायरेक्ट फांसी? मेरे हिसाब से डायरेक्ट फांसी देनी चाहिए, फांसी भी नहीं देनी चाहिए। जो उन्होंने लड़की के साथ किया, अगर एक बारी ऐसा एक्ट पैदा हो जाता है तो आगे से जो रेपिस्ट है उनकी अंतर आत्मा कांपनी चाहिए कि ये अगर हम लोग रेप करने के बारे में सोचते भी हैं तो एक बारी उनकी अंतर आत्मा हिलनी चाहिए कि नहीं, ये नहीं होगा हमारे साथ, ये होगा। तो ये सब मेरे हिसाब से लॉ चेंज होना चाहिए।